दोस्तों एक फिल्म आती है द गुड लाइफ नाम से। ये फिल्म आने के बाद सऊदी अरब में बहुत बड़ा हंगामा हो गया है। तो शायद आप लोग नहीं देखे हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप लोग देख लीजिए। इस फिल्म में ये दिखाया गया है, दो आदमी केरला से आते हैं सऊदी अरब में, वो किसी कंपनी के काम में आते हैं, मगर वहाँ आने के बाद उन लोगों को लैंग्वेज की तो प्रॉब्लम थी ही, थोड़ा कम पढ़े लिखे थे। क्योंकि ये लोग वहाँ से सोच करके निकले थे कि हम लोग चलेंगे, कोई काम करेंगे, थोड़ा अच्छा पैसा कमाएंगे। तो ये मैं थोड़ा शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, आप लोग फिल्म देखेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन इसकी रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है, क्योंकि मैं 8-10 साल सऊदी अरब रह चुका हूँ, आप लोगों को पूरा क्लियर कर दूँगा। क्योंकि ये फिल्म देखने के बाद बहुत सारे लोग डर गए हैं, वो लोग सोचते हैं कि सऊदी अरब में ऐसा ही होता होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या सच्चाई है, क्या गलत है, ये फिल्म में कितनी सच्चाई है, कितनी झूठ बातें बताई गई हैं, सब कुछ इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। और ये वीडियो जो सऊदी रह रहे हैं वो लोग देखेंगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या मैं सच बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। बात करें सच्चाई की तो ये घटना सच्ची घटना है। 1992 में नजीब नाम के एक व्यक्ति जो केरला से आए थे, तो उनको किसी कंपनी के काम में बोल करके भेजा गया था, लेकिन यहाँ आकर के वो फंस गए थे। हालांकि उसके बाद से अब तक बहुत सारा सिस्टम बदल चुका है, बहुत सारे नियम कानून आ चुके हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं सऊदी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो डालता रहता हूँ। फिलहाल इस समय मैं इंडिया में हूँ तो इंडिया की वीडियो डाल रहा हूँ, लेकिन जल्दी ही सऊदी अरब जाने वाला हूँ, तो वहाँ की सारी लाइफ के बारे में, लोगों के ज़िंदगी के बारे में, इंडियंस कैसे रहते हैं और सऊदी कैसे रहते हैं, सऊदी कैसे इंडियंस के साथ सलूक करते हैं, सारी बातें मैं बताता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करके शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस फिल्म को देख करके उनके मन में एक वहम बैठ गया है। सच्चाई क्या है हम आपसे पूरा A to Z क्लियर बताएंगे, तो वीडियो में बने रहिए, पूरा वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं जो ये फिल्म आई है द गोट्स लाइफ। इसमें ये दिखाया गया है कि दो आदमी केरला से 4 पैसे कमाने के चक्कर में सऊदी अरब आते हैं। ये लोग गलती कहाँ करते हैं आप लोगों को बीच में बताएंगे, फिलहाल कैसे क्या होता है लोगों के साथ थोड़ा उस पर बात कर लेते हैं। और ये वीडियो हमने देखा नहीं, इस वीडियो का लिंक मेरा ही कफील भेजा कि भाई ये वीडियो देखो, तुम अपने ज़बान में बताओ कि कितना सच है कितना गलत है। हम लोग बहुत परेशान हैं, बहुत लोग नेगेटिव बातें बता रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि जो कफील मेरा पहले वाला था उसका भी मजरा है, उसके मजरे में भी बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो वहाँ की लाइफ मैं रह करके बहुत नज़दीक से देख चुका हूँ क्या लाइफ होती है। हम इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं, पहले ये जो फिल्म आई है इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं, क्योंकि ये फिल्म अरबिक और केरला में है, तो इसकी सच्चाई क्या है हम आपको पूरा क्लियर कट बता दें। जो फिल्म में दिखाया गया है पहले उस पर बात कर लेते हैं। फिल्म में ये दिखाया गया है कि दो लोग सऊदी अरब आते हैं, तो ये लोग एयरपोर्ट के बाहर निकलते हैं, तो इन लोगों का कफ़ील लेने पता नहीं आता है कि नहीं आता, लेकिन अभी इन लोगों के कफ़ील से सामना नहीं होता है कि एक दूसरा सऊदी इन लोगों की तरफ देख रहा होता है। तो ये लोग सोचते हैं कि ये हमारा ही सऊदी है, क्या है, हमको लेने आया है कि नहीं। तो सऊदी दूसरा नाम लेके पूछता है कि तुम वही हो, तो इन लोगों के तो भाई अरबी समझ में आती नहीं, तो इसलिए ये लोग थोड़ा कम पढ़े लिखे थे, क्योंकि इंग्लिश भी नहीं समझ में आती थी, तो ये लोग कोई जवाब नहीं देते। तो वो सऊदी घूमता टहलता फिर दूसरी बार आता है, पासपोर्ट मांगता है, तो वो बोलता है चलो गाड़ी में बैठो। तो ये लोग सोचते हैं कि मेरा ही कफ़ील होगा। ये लोग जाते हैं गाड़ी में बैठने के लिए, तो सऊदी उसमें जो दिखाया गया है मैं बता रहा हूँ, और क्या सच्चाई है वो भी मैं बताता हूँ। तो मामला ये है कि ये लोग गाड़ी में जाते हैं बैठने के लिए, तो सऊदी बोलता है कि आगे नहीं पीछे चलो बैठो, गाड़ी पिकअप टाइप में जो यहाँ पर बोलेरो पिकअप चलती है ना, उसी टाइप में वहाँ की गाड़ी थी, तो पीछे बैठाता है। उसके बाद ये लोग पीछे बैठ लेते हैं, फिर निकलते हैं, फिर वो ले जा कर के जो दो बंदे थे एक बंदे को किसी दूसरे को दे देता है और एक खुद के पास रख लेता है। भेड़ बकरियों का इसका काम था, मजरे का काम उसमें जो दिखाया गया है। उसके बाद उसमें ये दिखाते हैं कि बहुत परेशान करता है, बहुत तकलीफ़ देता है, रहने के लिए जगह नहीं रहता, कमरा नहीं रहता, वहाँ पर जा कर के इसको एक बंगाली मिलता है,
बंगाली बोलता है कि यहाँ जो आ जाते हैं वो जाते नहीं। थोड़ा इन लोगों के कम्युनिकेशन में थोड़ा बहुत मतलब समझते हैं, तो जिसमें ये बताया गया है कि जो बंगाली होता है वो बोलता है कि जो यहाँ आता है वो जा नहीं पाता। अब यहाँ आए हो तो चूँकि ये रोने भी लगता है, भूख प्यास लगती है, तो और थोड़ा घर पे बात करना चाहता है तो घर पे भी बात नहीं करने देता है, तो रोने लगता है। तो बंगाली बोलता है कि रोने से कोई फ़ायदा नहीं, चुपचाप यहीं रहो और ये जो मैं काम कर रहा हूँ वही करो। क्योंकि बंगाली को अरबी आती थी, वो उससे बंगाली से वो केरला वाला नाम पूछता है तो वो बोलता है कि मैं अपना नाम ही भूल गया हूँ कि मेरा नाम क्या है। तब वो रोने लगता है तो बंगाली बोलता है कि रोने धोने से का कोई मतलब नहीं, अब यहीं पर रहो, यहीं पर काम करो। अब वो वहाँ पर काम करने लगता है, बहुत तकलीफ़। उसमें जो दिखाया गया है कि सऊदी आता है बहुत तकलीफ़ें देता है, बहुत ना खाने को कायदे से देता है ना पीने को, मतलब सारी चीज़ की जो फैसिलिटी एक्चुअल में है वो नहीं दिखाई गई है। फैसिलिटी तो ये है कि जब मजरे में लोग काम करने जाते हैं तो उन लोगों का रूम वगैरह फर्स्ट क्लास रहता है। हमने इस पर मजरे में हम गए थे तो वहाँ की वीडियो भी बहुत सारी बनाए हैं, और दो तीन जो मजरे में काम करते हैं वो लोग वीडियो भी बनाते हैं, उन लोगों का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग जाइएगा देखिएगा कितनी सच्चाई है इस वीडियो की। तो इसमें वो आदमी निकलता कैसे है हम आपको बताते हैं। वो क्या करता है कि एक बार भागने की कोशिश करता है, एक बार उससे लफड़ा भी करता है तो वो अपना गन निकाल लेता है। एक यमनी था तो यमनी उसको रोकता है और समझाता है, जब गन निकाल लेता है कि नहीं मारो मत ये सब गलत बात है। उसके बाद फिर वो उसको मार भी देता है। उसके बाद फिर ये किसी तरह बेचारा मार झेल करके, दुख तकलीफ़ झेल करके रहता है। अब ये क्या करता है, एक दिन ऐसे ही किसी को किसी की आवाज़ ये सुनता है तो उधर से देखता है कि इसका जो दोस्त साथ में आया था उसकी आवाज़ होती है। अब ये उसको बुलाता है तो वो थोड़ी देर में 2 मिनट 3 मिनट इसके पास था, उसके बाद उसका कफ़िल उसको आवाज़ देता है तो वो चला जाता है। उसके बाद ये कफ़िल जो है बोलता है कि चलो आओ तुम, तो ये बहाना करके वहाँ पर बैठ जाता है। उसके बाद किसी तरह फिर ये सरवाइव करता है थोड़े दिन। फिर ये पूछता है कि हम यहाँ से जा कैसे सकते हैं घर पर, रास्ते के बारे में पूछता है। तो रास्ता जो बंगाली था वो बोलता है कि बहुत दूर रास्ता है, मुझे खुद नहीं पता कि कितना दूर रास्ता है। उसके बाद फिर वो इंतज़ार करता है, जुगाड़ लगाता है भागने के लिए, लेकिन वो भाग नहीं पाता। लेकिन कहते हैं ना कि जब आदमी जिस चीज़ पे उतारू हो जाए तो उसको कहीं ना कहीं से रास्ता मिल ही जाता है। तो इसमें आगे दिखाया गया है कि एक अफ्रीकन आदमी उन लोगों की मदद करता है। अफ्रीकन आदमी क्या करता है कि एक दिन बताता है कि इन लोगों के घर में शादी होने वाली है तो सब लोग जाएंगे शादी में, तो उसी दिन हम लोग निकल लेंगे। अब ये दोनों इकट्ठा होते हैं एक जगह और उस अफ्रीकन को भी लेते हैं, यानी तीनों लोग इकट्ठा होते हैं। उसके बाद ये लोग भागते हैं, लेकिन गलती ये कर देते हैं कि रेगिस्तान बहुत बड़ा था तो वहाँ पर पानी वानी की व्यवस्था तो होती नहीं, ये लोग पानी ले करके नहीं निकलते, तो बिना पानी के सर्वाइव कर पाना बड़ी मुश्किल की बात है। ये लोग निकलते हैं, चलते हैं, चलते 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 जो दूसरा बंदा था तो उसको प्यास लगती है, वो पागल हो जाता है किसी तरह, फिर भूख प्यास से तड़प करके उसकी डेथ हो जाती है। फिर ये एक अफ्रीका का आदमी और जो केरला का एक मेन आदमी बचा था वो दोनों निकलते हैं। फिर किसी तरह जाते जाते रास्ते में एक जगह पानी मिलता है तो पानी देखते हैं पानी, लेकिन इतने दिन से भूखे प्यासे थे कि अफ्रीकन आदमी समझ वहाँ पर काफ़ी दिनों से रह रहा था तो वो बोला कि एकाएक पानी मत पियो। थोड़ा सा पानी पहले उसको चटवाता है, धीरे धीरे फिर पिलाता है। उसके बाद वहाँ बगल में खोजता है तो एक बोतल मिलती है, उस बोतल में पानी भर के उसको देता है कि ये रख लो आगे काम देगा। उसके बाद वो अफ्रीकन आदमी गायब हो जाता है, तो उसमें यही दिखाया गया है। बाकी फिर ये जो केरला का एक बंदा जो बचा था वो आगे निकलता है, फिर आगे एक रास्ता मिलता है, रास्ते में बहुत सारे लोगों से लिफ्ट मांगता है, तो उसमें थोड़ा सा अच्छाई भी दिखाई गई है। लिफ्ट मांगता है तो एक दो लोग नहीं रोकते हैं, लेकिन एक कार आकर के रुकती है, तो वो कार में एक सऊदी रहता है, तो ये सऊदी को देख करके डर जाता है, लेकिन किसी तरह सऊदी उसको मना करके अपने गाड़ी में बैठाता है। तो बोलता है ठीक है तुम बैठो, गाड़ी में साफ़ कर लूँगा जो गंदगी होगी। फिर वो ले जा करके सिटी में छोड़ता है, सिटी में इसके अपने लोग मिलते हैं, फिर इसका मदद करते हैं, फिर इसको पुलिस के हवाले करते हैं। पुलिस में कुछ दिन रहने के बाद फिर इसको वापस डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है, जो इस फिल्म में दिखाया गया है ये कभी होता रहा होगा,
लेकिन मेरे जानने में तो ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हुआ। अभी माहौल बहुत सारा कुछ चेंज हो गया है सऊदी में। जो सऊदी लोग हैं 99.9% लोग बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो बुरे भी हैं तो इतने बुरे नहीं हैं जो इस वीडियो में दिखाया गया है। मैं दो कफिल के पास रह करके आया हूँ, और हालांकि जो मेरा कफिल था वो कभी किसी इस चीज़ के बारे में तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं था। मुझे कहीं भी जाना होता था, मैं गाड़ी लेकर के अपना जाता आता था। और मजरा में मेरा एक गांव का ही लड़का है, मजरा में आज 8-10 साल से रहता है, उसको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। जबकि बहुत आउटसाइड में रहता है तो मजरे में उसको उसका रूम वूम बहुत अच्छे से दिया है, उसमें AC लगा करके कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वहाँ पर दुकान वगैरह होती नहीं करीब में, तो उसका कफिल खाना पीना राशन पानी ला करके देता रहता है। तो ऐसा नहीं है जो इस फिल्म में दिखाया गया है वो सब कभी होता रहा होगा। हो सकता है 100 में से 1 के साथ कोई घटना घटित हो हुई हो, तो उसके उसका ये मतलब नहीं कि सभी ऐसे ही किसी से फालतू कोई बातचीत नहीं करेंगे तो आप आसानी से सर्वाइव कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इस फिल्म में दिखाया गया है, जितनी निगेटिविटी दिखाई गई है उतना कुछ है नहीं। ठीक है, हम भी सऊदी में रहे हैं और बहुत सारे लोगों से हमारा बातचीत है, बहुत सारे सऊदियों से अभी भी बातचीत होती रहती है। जितने कफिल के पास हमने काम किया है उन वहाँ से मैं एग्जिट लेकर के आया हूँ, लेकिन फिर भी बातचीत होती रहती है। अभी मेरा जो है, आप लोग देखे होंगे वीडियो में, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, हार्ट टूट गया था, तो जिसमें सऊदी ने फ़ोन किया था, हालचाल भी लिया। एक सऊदी फ़ोन किया, बोला पैसे उसे की ज़रूरत होगी तो बताना, तुम अपना अकाउंट नंबर भेजो, मैं भेज दूँगा। मतलब कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है। एक जो सबसे पहला मेरा सऊदी था वो तो इतना अच्छा है कि बराबर बातचीत होती रहती है अभी। और एक्चुअल तो यही है कि उसने ये लिंक भेजा वीडियो का, मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से पता नहीं था कि क्या मैटर चल रहा है। तो सुना कि सऊदी में बड़ा लफड़ा चल रहा है, तो उसने बोला कि यार ऐसी ऐसी बात है, ऐसा तो कुछ मैंने किसी के साथ किया नहीं है या फिर मैंने कभी कहीं देखा भी नहीं है, तो ऐसा फिल्म बनाने की ज़रूरत क्या थी, तो थोड़ा इस पर बताओ। तो हमने कहा इस पर चलो वीडियो ही बना देते हैं। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो इस फिल्म में दिखाई गई है ऐसा कुछ नहीं है, सऊदी बहुत अच्छा है। जितना आप अच्छे से रहोगे ना, जिस तरीके आप रहोगे उसी तरीके आपके साथ भी वो लोग व्यवहार करेंगे। बाकी इस वीडियो को करते हैं ख़त्म, मिलते हैं फिर किसी ने वीडियो में किसी ने टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।